18 जुलाई को गोंडा के मोतीगंज और झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना में 17 रेल डिब्बे डिरेल हो गए थे। पिकौरा गांव के लोगों ने ट्रेन के डिब्बों में फंसे लोगों को बाहर निकाला और राहत पहुंचाई। यही नहीं, ग्रामीणों ने घायलों को चारपाई पर लादकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मदद करने वाले ऐसे 5 दर्जन लोगों को जिला प्रशासन ने विशुनपुर पंचायत भवन में सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुक्त शशिभूषण लाल और जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इस अवसर पर वृक्षारोपण। 18 जुलाई को एक दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन हादसा जो हुआ था इसी पिकौरा गाँव में के पास में, उसमें जो ग्रामवासी हैं उन्होंने जिला प्रशासन के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ और सीएमओ साहिबा की टीम के साथ यानी मेडिकल टीम के साथ, इन सब के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा कार्य किया था बचाव कार्यों में, राहत और बचाव कार्यों में। उस दिन मौके पर जो भी लोग उपस्थित थे उनको जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, और ये जो उन्होंने सहयोग किया है वो दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन सके, इस उद्देश्य के साथ उन लोगों को, समस्त ग्रामवासियों को और मौके पर जो लोग तुरंत वहाँ पर उपस्थित थे उनको सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। प्रशस्ति पत्र मिला, मतलब डीएम महोदय ने हम लोगों को दिया है, मतलब सम्मानित किया है, क्योंकि उस टाइम 18 जुलाई को जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के मतलब हिस्सा लिया था, उसमें सबसे पहले हम ही लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि हमारे गांव का पास में ही था, मतलब 50 मीटर होगा वहां से ट्रेक से, सबसे पहले हम लोग पहुंचे थे। ये डीएम महोदय ने प्रयोजित किया है, हम लोग चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस था और जो दुर्घटना हुई थी कई यात्रियों उसमें फंसे थे, उन यात्रियों को बाहर किया गया, एम्बुलेंस की सहायता की गई, उनको पानी पिलाया गया। दुर्घटना हुआ था ट्रेन का, उसके प्रश्न में डीएम मैडम जी ने दिया है हम लोग को, जो यात्रियों को सुविधा दिया गया, उनको सहयोग किया गया, निकाला गया, चाय पानी पिलाया गया, उस वजह से हम लोग को सहयोग दिए हैं।